जय श्री कृष्णा दोस्तों दोस्तों हम अपना लेसन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का। उम्मीद है आप लोग सारे अच्छे होंगे। अभी तक जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया होगा, और अगर इन केस नहीं भी आया समझ में तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको हर पॉइंट पे गाइड करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई परेशानी रहती है तो मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अपने दोस्त लोगों से भी शेयर कीजिए, और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर आपके दोस्तों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि मैं उस पर भी सोच सकूँ और फिर उसके भी वीडियोज़ या फिर वो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री नॉलेज शेयर करने का है, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। बस मेरा है कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के काम आए। बस इतना सा ऑब्जेक्टिव है, इतनी सी ही लालच है मेरी। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन नंबर 5, और लेसन नंबर 5 है, एक सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने किताब तो डाउनलोड किया ही होगा, और अगर किसी ने नहीं किया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स शेयर कर दूंगा, यही वाली किताब ना, उससे आपको हेल्प हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा अपने इंस्टा का आईडी, ताकि आप डीएम भी कर सकते हैं, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी डाल देता हूँ, ताकि उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। तो दोस्तों शुरू करते हैं लेसन नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर्स एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कि सर कंपनी को बनाया कैसे जाता है, फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, है ना, क्रिएट करना। फॉर्मेशन का मतलब क्या है? क्रिएट करना। कंपनी कैसे बनाए, कंपनी क्रिएट कैसे करें। ये प्रोमोटर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, ऑनर नाम सुना होगा, ऑनर मतलब मालिक, है ना, जिसका बिजनेस है, तो ऑनर का ही दूसरा नाम है प्रोमोटर, कंपनी लॉ में प्रोमोटर बोलते हैं उनको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है सर? जैसे कि अब हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हर चीज़ अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इसी तरीके से हम रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो वही चीज़ है, यही सारे टॉपिक इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है हमारा पढ़ना। तो अब पढ़ लेते हैं क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे बनाया जाएगा, प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स कौन होते हैं और उनकी लीगल पोजीशन क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स। इनकॉर्पोरेशन तो इतनी बार वर्ड आ गया है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, है ना। तो रजिस्ट्रेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी वैलिडिटी कैसे होगी, क्या कंपनी उसके लिए भी लाइबल होगा, ये सब हम सोचेंगे। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। फिर समरी, फिर कुछ कोई ज़्यादा खास चीज़ें, ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं, लिमिटेड टॉपिक है, बट उसको अच्छे से समझेंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव, हाउ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड व्हाट आर द वेरियस मोड, कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है और कितने सारे तरीके हैं, ये हम सीख लेंगे। हु इज प्रोमोटर, कौन प्रोमोटर है, एंड व्हाट आर हिज लीगल कंप्लायंसेज एंड पोजीशन, उसको क्या क्या लीगल कंप्लायंस करनी होगी और क्या उसकी पोजीशन होगी लॉ में। व्हाट आर इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये समझेंगे। हाउ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाई ऑनलाइन मोड, कैसे हम ऑनलाइन कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये हम जो नॉलेज ले रहे हैं कंपनी लॉ में, ये पूरे तरीके से प्रैक्टिकल से लिंक है। कई बार अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग कई बार फ़ोन कर देते हैं या फिर दोस्त लोग पूछते हैं यार कंपनी बनानी है कैसे बनाते हैं। अगर हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है हमने इसके बारे में, तो हम बता सकते हैं किसी को भी। और इसी सब चीज़ों के लिए जब प्रोफेशनल एडवाइस करता है तो वो कंसल्टेंसी चार्जेस ले लेता है ना। तो अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं कि ये क्या है। कंपनी कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू फॉर्मेलिटीज एंड फॉलो फ्यू रेगुलेशन विच इज मेंशन्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी बनाई जा सकती है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कुछ रेगुलेशन फॉलो करने, किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के। अब जैसे हमारे अपने ही घर में रहने के लिए भी कुछ नियम है,
है ना, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमें निभानी पड़ती है, कोई रिलेटिव आ जाए तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमें निभानी पड़ती है, कुछ जैसे कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको चाय पानी नाश्ता खाना ये सब ऑफर करना है, अपने घर में ही रहने के लिए कुछ रेगुलेशन हमें फॉलो करने, भाई माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, कोई ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करनी, गलत आदतें हमें नहीं पालनी, तो वो फॉर्मेलिटी जब हर चीज़ में है तो फिर भाई कंपनी बनाने के लिए भी तो फॉर्मेलिटी निभानी ही पड़ेगी ना। तो वही है वो, लेकिन वो फॉर्मेलिटी और रेगुलेशन कौन सी निभानी है, घर वाली नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 वाली, ठीक है सर फॉलो कर लेंगे, रेगुलेशन भी मान लेंगे और बना लेंगे कंपनी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी टू गेट कंपनी रजिस्टर्ड, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना, देन आफ्टर इट्स ऑपरेशन विल बी स्टार्टेड, उसके बाद ही इसका काम शुरू हो सकता है कंपनी का। देर इज़ लॉन्ग प्रोसीजर और वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, स्टेजेस हैं जो इन्वॉल्व है कंपनी को बनाने में, तभी तो प्रोफेशनल पैसे लेते हैं सर। अगर इतना ही सिंपल होता तो फिर हर रोड पे चलने वाला बंदा कंपनी बना रहा होता है ना, इसीलिए तो हम बीकॉम में पढ़ रहे हैं ये सब, इसलिए तो ग्रेजुएशन करने वाले बंदों को ये सब सिखा रहे हैं, ताकि कल हो के आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, किसी को आप एडवाइस कर पाएंगे और बदले में फीस चार्ज कर सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपके पास एक नॉलेज होगी जो दूसरों के पास नहीं होगी। बट बिफोर ऑल दैट फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वी वांट टू स्टार्ट, ये सब करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी कंपनी बनानी है, और वो हम पहले ही देख चुके हैं, इतने सारा लंबा चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 ख़त्म किया है कि कंपनी होती कितनी टाइप की है। तो वही चीज़ है कि आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी बनानी है, और वी आर गोइंग टू टेक ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंसर्न, या फिर जो पहले से बनी बनाई है उसी को हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। ऑल दिस डिसीजन आर टेकन बाई सर्टेन पर्सन नोन एज प्रोमोटर, ये जो भी ये डिसीजन लेता है ना उसी को प्रोमोटर बोलते हैं, जनरल सेंस में उसको ऑनर बोलते हैं। दे डू ऑल द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, लॉ फॉलो करना, रेगुलेशन फॉलो करना, ये सब प्रोमोटर फॉलो करता है कंपनी बनाने से रिलेटेड। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी प्रोमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली 2 स्टेजेस रिक्वायर्ड, प्रोमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। पब्लिक कंपनी के केस में कितने सारे स्टेज हैं, प्रोमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सब जरूरी है, बट प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ प्रोमोशन और इनकॉर्पोरेशन। सर अब सेक्शन 3 पे आ गए हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3.1, ए कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ए, 7 or more persons वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी पब्लिक कंपनी, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए, ठीक है सर। 2 or more persons वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 या उससे ज़्यादा। और सी, 1 person वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड एज 1 person कंपनी, दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी, 1 person कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है लेकिन उसके लिए एक ही बंदे की जरूरत होती है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी को एक तरीके से रिविजन है। बाय सब्सक्राइबिंग दियर नेम्स, अगर ये सारे बंदे हमें मिल गए, जो जो 7 बंदे 2 बंदे 1 बंदे जो भी जिस टाइप की कंपनी हमें बनानी है, बाय सब्सक्राइबिंग दियर नेम और हिज नेम टू अ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मेंशन कर देंगे, एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ए कंपनी सो फॉर्म्ड मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग, कंपनी अब कितने तरीके की बन सकती है वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ए कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, ए कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, और एन अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है कि सर अगर किसी को आपने 1,000 शेयर अलॉट किए हैं और 1,000 शेयर अगर 10 रुपये का है तो वो 10 रुपये देने के लिए लाइबिलिटी हो गई उसकी कंपनी को, वो 10 रुपये तो देगा ही, 10 × 1,000 है ना। लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी में सर अगर किसी ने गारंटी दे दी ना कि मैं ये असेट लेके आऊँगा तो वो उसकी गारंटी हो गई या उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, वो कंपनी के लिए लेके ही आएगा। और अनलिमिटेड कंपनी मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। अब वो आप डिसाइड कर लो कौन सी कंपनी आपको बनानी है। नाउ नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7। अब इनकॉर्पोरेशन की बात करने जा रहे हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या प्रोसीजर, पूरे तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है ये, बट हम फिर भी इसको पढ़ेंगे और जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि सर क्या कैसे कंपनी बनती है, थोड़ी क्यूरियसिटी होनी चाहिए ना कि भाई सब दूसरों के बारे में दूसरों से जानने की कोशिश करते हैं कंपनी कैसे बनती है। देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन होज ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है एरिया, जैसे पुलिस स्टेशन है मान लो आपके एरिया में ना, तो उस पुलिस स्टेशन की एक ज्यूरिडिक्शन है, एक एरिया डिफाइन है कि वो इसी के अंदर मतलब अपना काम कर सकती है ना। तो ऐसे ही रजिस्ट्रार का भी एक ज्यूरिडिक्शन होता है, उसी ज्यूरिडिक्शन में जाके आपके ज्यूरिडिक्शन का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस होगा ना वहाँ जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो
Registrar, the registered office of a company is proposed to be suited the following documents and information for registration, namely. तो आप क्या क्या लेके जाओगे, क्या क्या जरूरी है अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको. ए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या होता है दोस्तों? मेमोरेंडम में सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल होती है, आर्टिकल में कंपनी के रूल रेगुलेशन ये सारी चीज़ें लिखी होती है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, बिजनेस के बारे में लिखा होता है, क्या क्या कंपनी काम करने वाली है, तो मेमोरेंडम आर्टिकल छपवा के लेके जाओगे आप. बी ए डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय एन एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. एक डिक्लेरेशन या तो एडवोकेट से ले जाओ बना के, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बना के ले जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट से ले जाओ, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में उससे ले जाओ, मतलब इनमें से किसी से भी ले जाओ, हु इज़ एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी बनाने में इन्वॉल्व है, जो प्रोफेशनली, सारे प्रोफेशनल हैं जो आपको ये सर्विस देते हैं. एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज ए डायरेक्टर, या तो वो या फिर आर्टिकल में जिसको आपने डायरेक्टर बना दिया है, मैनेजर बना दिया, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बना दिया. दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विद. तो या तो कोई प्रोफेशनल आपने हायर कर लिया, वो प्रोफेशनल आपके बदले में सारा काम कर देगा, या फिर जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, जो सेक्रेटरी है, वो आपके वो सारी कंप्लायंसेस पूरी करेगा कंपनी बनाने के लिए जो भी करना है. नाउ सी एन एफिडेविट. एफिडेविट एक राइट दे दिया जाता है. एफिडेविट में सारी चीज़ें लिखी जाती है कि मैं अपने सारे राइट्स या कंपनी सारे राइट्स इस बंदे को दे रही है, ये काम करेगा. एन एफिडेविट फ्रॉम ईच ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर. मेमोरेंडम में जिन जिन बंदों के नाम आपने लिख दिए कि ये डायरेक्टर होने वाले हैं या ये शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, इनके तरफ से एक एफिडेविट चाहिए. इफ़ एनी इन द आर्टिकल दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड of any offence in connection with the promotion, formation, management of company, or that he has not found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this act. मतलब इनकी तरफ से एक एफिडेविट होगा, एक हलफनामा होगा, उसमें लिखा जाएगा कि सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इस कंपनी को प्रमोशन में, बनाने में, फॉर्मेशन में, इसकी मैनेजमेंट में कोई गलती नहीं हो रही, मेरी तरफ से कोई मैं कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने इस एक्ट में, कंपनी एक्ट में आज तक मैंने कोई ड्यूटी या कोई गलत काम नहीं किया, इस तरीके से एफिडेविट दोगे. जैसे कि इलेक्शन में भी सारे के सारे जो नेता लोग होते हैं वो एफिडेविट पे अपनी सारी चीज़ें डिटेल बना के देते हैं, मेरे खिलाफ़ कोई केस नहीं चल रहा है जी, मेरी इतनी संपत्ति है, ये सारे डिक्लेयर करते हैं एफिडेविट में. ऐसे यहाँ पे सारे डायरेक्टर जो मेमोरेंडम में जिन डायरेक्टर्स का नाम है वो सारे एफिडेविट में अपनी डिक्लेरेशन दे देंगे कि मैं कोई दोषी नहीं हूँ इस एक्ट में, मैंने कोई गलत काम किया नहीं है, और एनी प्रीवियस कंपनी या फिर पिछले लॉ में भी मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले पाँच सालों में मैंने सर कोई गलत काम नहीं किया इस एक्ट में. एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ करेक्ट, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सारी करेक्ट है एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, और उसकी नॉलेज के हिसाब से सारी चीज़ें ठीक है एंड बिलीव. अब क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं. डी द एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश्ड. एड्रेस कौन सा है, कहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस कम्युनिकेट करेंगे कि भाई तुम्हारे से ये डॉक्यूमेंट जरूरत है, ये लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, तो वो एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. द पर्टिकुलर ऑफ नेम इंक्लूडिंग सर नेम और फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, सच अदर पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एलोंग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. जो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिन जिन डायरेक्टर्स का नाम डाल दिया, जिन जिन शेयर होल्डर का नाम डाल दिया, उनके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, फैमिली नेम चाहिए, उनका सर नेम चाहिए, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए, उनकी नेशनैलिटी चाहिए, ये सब चाहिए. कोई बात नहीं सर, ऐसे बंदों जिन 7 बंदों से बना रहे हैं अपनी कंपनी या जिन 2 बंदों से बना रहे हैं कंपनी उनकी सारी डिटेल दे देंगे. The particulars of the person mentioned in the article as the first director of the company, their name including surname, family number, name, the director identification number, residential address, nationality and such other particular including proof of identity may be preserved. First director जितने भी है उनकी भी सारी डिटेल देनी पड़ेगी. अब इसमें एक नया नाम आ गया सर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन. ये डिन क्या है? जैसे दोस्तों पैन होता है, आधार कार्ड होता है, ऐसे ही डायरेक्टर बनने के लिए किसी कंपनी में उस डायरेक्टर को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, तो वो डिन भी अप्लाई करना होगा, है ना. फिर डिन की डिटेल आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को. जी ये सारे काम प्रोफेशनल करके दे देते हैं. द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विथ दियर
कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर हैं उनका अगर किसी और कंपनी में भी इंटरेस्ट है तो वो भी मेंशन कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डिक्लेरेशन हमें उनको देना है। तो अभी तक हमने जो कवरेज करी है दोस्तों, वो हमने क्या किया, हमने ये देखा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को सेक्शन 7 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने, ए बी सी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, डिक्लेरेशन एक प्रोफेशनल से, एफिडेविट, है ना, फिर एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए सारे के सारे डायरेक्टर्स के एड्रेस, जितने भी आपके मेमोरेंडम में मेंबर्स हैं उनकी, फिर फर्स्ट डायरेक्टर के डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे, फिर फर्स्ट डायरेक्टर जो भी है मेमोरेंडम में उनका कहीं और इंटरेस्ट नहीं है वो भी डिटेल दे देंगे। इतना देने के बाद आगे का जो रोल है, यहाँ से जो रोल है वो ROC का शुरू हो जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट तो दे दिया, वो ROC उस पेपर का क्या करेगी, ROC जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है कैसे आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगी, कब तक दे देगी, कैसे देगी, किसको बुलाने वाली है, कैसे ये डॉक्यूमेंट्स वो करेक्ट कर लेगी, कैसे इसको डिक्लेयर कर देगी ये गलत डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब पार्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। लॉ है ये, आसान से आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही रिलैक्स मोड में आपको इस सब्जेक्ट को समझना है ताकि कोई प्रेशर ना रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।